देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। न्यूयॉर्क में उस समय हड़कंप मच गया जो एक व्यक्ति नु हथियार सने घूमता देखा गया। यह घटना यूएन हेडक्वार्टर के बाहर वापरी। सुरक्षा वजो दफ्तर नु सील कर दिया गया। कई घंटे की मुशक्कत बाद मुलजम नु आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। हत्था विच बंदूक ले बेफिकर घूम रहे इस शख्स ने कुछ देर के लिए न्यूयॉर्क पुलिस का फिकर जरूर बता दिता। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर उस समय दहशत का माहौल बन गया जो एक हथियारबंद शख्स ने कई घंटिया तक बवाल कटिया। यह हंगामा इन्ना ज्यादा बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर चारे पासे घेरना पिया ते कुछ देर लिए बंद भी कर दिता गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटिया की मशक्कत तो बाद उस हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। At approximately 10:40 a.m. this morning, patrol officers from the 17th precinct responded to a 911 call for a man with a gun outside the United Nations. The call was made from within the UN. Once on scene, the officers observed the male wearing a red jacket, blue jeans, white hair, holding what appeared to be a shotgun directly under his chin. The man also had a bag with him. The officers immediately secured a safe perimeter while additional resources responded to the scene. The emergency services unit made initial contact with the individual. पुलिस ने चिंता का विषय इसलिए भी सी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के अंदर पब्लिक मौजूद सी। अजिहे विच उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके पुख्ता इंतजाम किए गए। पहला अंदर फसे लोगों नूं एक एक करके एक थां ते इकट्ठा किया गया सी। उस तो बाद दूजे एंट्रेंस गेट के जरिए सारे नु बाहर कढ़िया गया अते फिर कुछ घंटिया के लिए संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर नु बंद कर दिता गया। स्थिति की गंभीरता नु वेखते हुए पुलिस लगातार उस शख्स के नाल गल भी करती रही ते उसनु सरेंडर करन दे लई कहा गया। करीब तीन घंटिया बाद यानी कि वीरवार दोपहर 1:40 पुलिस नु ओ कामयाबी मिल गई जदों हथियारबंद शख्स ने खुद नु सरेंडर कर दिता। Emergency service unit's officers secured the block, clearing the area of civilians. Using ballistic cover, ESU officers approached the individual, attempted to isolate and contain him while also beginning a dialogue. One of our ESU officers, Police Officer Matthew Labrizzi, did a great job. He began the dialogue with the individual and continued the conversation throughout the entire incident. Based on statements he made, we knew early on that this did not appear to be terror-related. He had some papers he wanted delivered to the UN. The dialogue went back and forth about how we might be able to accommodate his request and bring the incident to a peaceful conclusion. Ultimately, members of the emergency service unit took possession of the papers and were able to deliver them to the UN. As a result, the individual put down his shotgun and was taken into custody without incident at approximately 1:40 p.m. He was transported to an area hospital for evaluation. पुलिस वालों मुलजम व्यक्ति की फिलहाल पहचान उजागर नहीं की गई है ते उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला। व्यक्ति की उम्र करीब 60 साल है ते उसने वीरवार नु लगभग 1:40 हिरासत विच ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस सारे मामले के दौरान इस व्यक्ति ने कदे अधिकारियों उत्ते बंदूक नहीं तानी अते ना ही उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने दसिया कि इस व्यक्ति का आतंकवाद के नाल भी कोई संबंध होने का सबूत नहीं मिले ते इस तो बाद इसने खुद सरेंडर कर दिता है। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकया कि मुलजम के खिलाफ केड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।